मैं राजू कुमार राजू गांधी हिंसा विधानसभा से जाप का प्रत्याशी हूँ और जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक और मैं युवा प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पू ब्रिगेड का मैं पूरे प्रदेश बिहार का प्रदेश आज आप जनता के बीच आए हैं सर, तो जनता के बीच आके आज आप क्या क्या जनता के लिए करना चाहेंगे, क्या क्या करना के लिए वादा किए हैं अपने क्षेत्र में? मेरी प्राथमिकता ही है हिंसा का विकास, पूरे हिंसा विधानसभा का जो आज विकास है नग्न पर, जो यहाँ जनप्रतिनिधि और सरकार जो वादे करके गए वो सब धरे के धरे रह गए। आज 15 साल हो गया बिहार के जो मुखिया हैं उनका गृह जिला ये माना जाता है, तो आज उस 15 साल में हिंसा पीछे क्यों? वो अपने दरवाजे को चमका सकते हैं लेकिन अपने बगल वाले घर को नहीं चमका सकते हैं क्या? तो ये सब है और जनता में यही सब देखकर बहुत आक्रोश है और आक्रोश इतना कि इस बार जनता जो है सेवक की भूमिका में जन अधिकार पार्टी के नेता राजू गांधी को चुनने जाए, क्योंकि वो शासक से उठ चुके, शासक का जो रवैया रहा है वो पूरी तरह से शासक रूप में रहा है, गरीबों जो गरीबों की बात करता था और उसके बाद गरीबों को भूल गया। तो जनता देख रही है ना कि हमारे पास जनप्रतिनिधि कैसे और बिहार के शास जो मुखिया है उस शासक की भूमिका में, ये सब दोनों को देख लिया है। इस बार जन अधिकार पार्टी दो ही चुनने जा रही है जनता। कौन सा मुद्दा लेके आप जनता के बीच जाते हैं? विकास का मुद्दा, विकास हिलसा विधानसभा में हिलसा का आज भी जाम की समस्या है। क्यों है? आप लोग आए होंगे, जाम झेल कर आए होंगे, 1.5 किलोमीटर का रोड है, बाजार है और 1.5 घंटा समय लगता है। ये यहाँ किराए पर सुबह डियामा होल्ड का बहुत दिन से चल रहा है, सैकड़ों गांव की समस्या है। ये सैकड़ों गांव रोते हैं क्योंकि इनको ट्रेन पकड़ने के लिए 6 किलोमीटर इधर या 6 किलोमीटर इधर जाना पड़ता है, जबकि पहले से ये स्टेशन था लेकिन इसे होल्ड में परिवर्तित कर दिया गया। तो किराए पर सुराए में अभी हम लोग हैं, किराए पर सुराए के भी अनेक मुद्दे हैं। एक भी शौचालय नहीं है, यहाँ जो बिजली सप्लाई होती है वो डायरेक्ट 11,000 वोल्ट तार नहीं है, किसी पोल पर आपको देखिएगा स्ट्रीट लाइट नहीं है, माने किसानों की समस्या है जो सिंचाई के लिए नहीं है। क्या क्या बताएं आपको, समस्या इतनी है कि वो सरकार पूरा करने के बजाय वो भागी हुई। बहुत से लोग तो ये वादा करते हैं कि हम जनता के लिए, किसान के लिए ये सब मतलब बहुत सी चीज करेंगे और अब तक करते भी हैं, बट आप कुछ उसे विशेष करना चाहेंगे? सर किए ही नहीं है, हम सैकड़ों गांव का लिस्ट आपको दे देते हैं, जिस गांव में अभी तक गली और नली नहीं बना है वहाँ के लोग इतने 1.5 फीट पाका में चलने के लिए मजबूर है। मैं सैकड़ों गांव का लिस्ट देता हूँ, आप भ्रमण कीजिए हिलसा विधानसभा के सैकड़ों गांव। आखिर क्यों, विकास ही रहता तो गांव तक विकास नहीं रहता? उसी प्रकार से मेरा दानवार दनवीर जी उससे तो आपको लगता है कि इस बार आपके एरिया में काम हो? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग करेंगे, अब कर रहे हैं। मेरा दानवीर हमेशा साथ में रहते हैं, यहाँ की जनता आक्रोशित पहले से ज्यादा आक्रोशित, मेरा दानवीर जी के सब लोग पूरे हिलसा विधानसभा इनके साथ है। चलिए अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अभिनय प्रसाद हुआ, कचहरी प्रखंड के रहने वाले हैं और कछड़िया पंचायत हुआ रूपनिहा ग्राम हुआ, पूरे हम लोग हिलसा विधानसभा एक हो करके और दानवीर जी के बहुत भारी बहुमत से आगे हम लोग निकलेंगे। आप अपने वर्तमान विधायक से खुश हैं या कोई नया चेहरा चाहते हैं? ना, हम लोग तो नया परिवर्तन चाहते हैं, नया पहले जो वर्तमान विधायक थे। नया में किनको चाहते हैं? नया में कौन विधायक को चाहते हैं? नया युवा विधायक है राजू धनवीर जी, इनको हम लोग देख ही रहे हैं जनसे लाभ क्या है, इससे पता लग रहा होगा कि इनका का बहुमत है, भारी मतों से एक वोट से इनको हम लोग जिता दें, विधानसभा भेज दें। उनके बारे में कुछ
खास ऐसा बताइए कि समाज सेवा की कोरोना काल में बहुत सारे गरीब लोग के अनाज बांटे हैं, चावल, दुख दर्द में किनको इलाज के लिए खड़ा रहे हैं, हमेशा साथ में रहे हैं। इनसे प्रतिभा लोग जा रहे हैं। इस बार आप इनसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं? हाँ, उम्मीद रखते हैं, सारी देख रहे हैं। जन सलामी बताता होगा आपको कि क्या उम्मीद रख रहे हैं सरकार से। दलवीर जी सबसे ज्यादा सच्चे हृदय से जितना जो पप्पू जी कर रहे हैं बिहार में, उस जन से लाभ है। पप्पू यादव का जन से लाभ है। चलिए, इनको भारी मोहम्मद से एक एक वोट देकर हम लोग विधानसभा। चलिए पूछिए इनसे। चलिए इनसे पूछिए।